एहसन इकबाल साहब, असद उमर साहब ने शहबाज गिल का मामला भी इसके साथ जोड़ दिया है। वो कहते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने इल्जाम लगाया है वो भी एक कोशिश है अफवाज पाकिस्तान और पीटीआई को आपस में लड़ाने की, और शहबाज गिल का मामला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपको नहीं लगता कि तहरीके इंसाफ का ताल्लुक इंडिया के साथ जोड़ना ये बहुत ज्यादा मुबालगा रही है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का जो आपने क्लिप सुनाया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ ने और उनकी सोशल मीडिया ने जब हेलीकॉप्टर का अंधोनाक हादसा हुआ इसके बाद मुसल्ला फौज के खिलाफ जो तौहीन अमेज एक मुहिम चलाई उसमें इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट से भी उनकी मावनत होती रही, या एक पेज पे थे दोनों, इंडियन अकाउंट्स और पीटीआई के अकाउंट्स एक पेज पे आके पाकिस्तान की मुसल्ला फौज के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। तो ये उन्होंने बात की है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए, ये एक पूरा पस मंजर है। ये बात आपको मालूम है कि जो बात शहबाज गिल साहब ने कही वो पूरी कौम ने सुनी। मैं नहीं समझता कि इस कदर जारहाना बयान आज तक मैंने कभी सुना है कि कोई ओपनली फौज के अंदर एक किस्म की बगावत की दावत दे रहा हो, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत सिक्योरिटी का मैं कहूंगा कि बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर खुदा ना खास्ता हमारा जो एक वाहिद लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कौमी इदारा डिसिप्लिन है, और इसी के ऊपर हम उस पर फख्र करते हैं कि उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई इनडिसिप्लिन हो। दूसरी बात यह कि क्या ये हकीकत नहीं है कि पीटीआई के लोग लंदन के सड़कों के ऊपर, दुनिया भर की सड़कों के ऊपर मुसल्ला फौज के खिलाफ, मुसल्ला फौज की क्यादत के खिलाफ वो नारे लगाते रहे कि जो भारत के सोशल मीडिया से भी उसी तरह के नारे लगते रहे। एक पूरा तसलसल है। इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट्स देख लें, कभी ये कहते हैं उनको सराजो क्या कहते हैं मीर सादिक मीर जाफर के साथ किसी का नाम मिलाने की कोशिश करते हैं, कभी वो कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। ऐसे ऐसे यानी कि बयानात हैं कि जो बंदा सुन के दंग रह जाता है कि एक शख्स जो चार साल वजारत उज़्मा की कुर्सी पर रहा हो उसमें कुछ ना कुछ मतानत होनी चाहिए, जिम्मेदाराना अमल होना चाहिए। तो इसलिए पीटीआई को चाहिए कि बजाय इसके कि वो अब मजलूम बने अपनी गलतियों पे गौर करे। और आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा आमिर साहब, देखिए इमरान खान साहब कोई कानून से बालातर शख्सियत नहीं है। हमने अदालतों का भी सामना किया, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, नैब ने बुलाया नैब में गए, शहबाज शरीफ साहब को जब भी नैब ने बुलाया एफआईए ने बुलाया, सबने पेशियां भुगती। आज अगर आप ये कहें कि हम तो जवाब दे नहीं है, हम किसी इदारे के आगे नहीं जा सकते, हम किसी के सामने जवाब दे नहीं है, एफआईए के सामने तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि आप, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन आपको नहीं पूछ सकता, पाकिस्तान की अदालत का आप हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान का कोई इदारा आपसे जवाब नहीं ले सकता किसी बात का, तो आप तो फिर कोई बादशाह सलामत या शहनशाह क्या समझते हैं अपने? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं।